How would you react if something, a structure 3.5 times Europe, suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. Not going to come from outside. However, the scale of Indian democracy means that democracy in India is a global public good. Democratic contest in India has completely changed. And the reason it's changed is because one organization called the RSS. लंदन में दिए अपने भाषण को लेकर छिड़े विवाद पर राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं और मैं उसके जवाब में संसद में बोलना चाहता हूं, पर मुझे जवाब देने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने कहा, मेरे संसद में आज पहुंचते ही सदन स्थगित कर दिया गया। मैंने स्पीकर से कल बात करने के लिए समय मांगा है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ये लोग मुझे बोलने का मौका देंगे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या सवाल उठाया है मोदी सरकार के खिलाफ। How are you enjoying the onset of dictatorship in India? Are you enjoying it? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है पार्लियामेंट हाउस में, हमें डिबेट नहीं अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी की जवान फिर फिसल गई। आइए जानते हैं कि लोग उन्हें पप्पू क्यों कहते हैं। देखिए यह वीडियो। Unfortunately, I'm a member of parliament. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament, and as the allegation has been made in parliament,